Assalamu alaikum guys, it's Humble Ahmed here again. Welcome to my YouTube channel. Well, ये हमने एक छोटा सा सेटअप लगाया है, 3 kilowatt कन्वर्टर यूज़ किया है इसमें हमने, और तकरीबन 1.3 kilowatt के हमने इसमें सोलर पैनल यूज़ किए हैं. सोलर पैनल हमने इसमें यूज़ किए हैं एस्ट्रोनर्जी के. ₹330 के पैनल यूज़ किए हमने. ये रिमोट एरिया में लगाया सेटअप हमने. मैक्स पावर का हमने MPPT VM3000 इसमें इन्वर्टर चूज़ किया है हमने. ये हमारी एसी की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और नीचे हमारी डीसी की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है. बैटरी हमने यूज़ की है इसमें पावर की 150 एम्पियर. ट्यूबलेस बैटरीज यूज़ की है हमने इसमें 24 वोल्ट के सेटअप पे. और इसको हमने प्रॉपर अर्थिंग भी की है. इसमें अर्थिंग के लिए हमने तकरीबन 1 इंची की रॉड यूज़ की है, कॉपर की 10 फुट की, और उसके सामने 25 mm का स्टैंडर्ड वायर यूज़ किया है. और इसमें अर्थिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया है हमने. एक बोर्ड जो 20 फुट का है उसमें हमने डाले हैं तकरीबन 3 बैग डाले केमिकल के, और साइड में हमने तकरीबन 6 बोर और किए हैं जिसमें डिवाइड करके 3 बैग्स और डाल दिए मज़ीद, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो तकरीबन 3-4 फुट के बाद यहाँ पे गदली ज़मीन है और पानी भी जो है वो नज़दीक ही है. और इसको हमने प्रॉपर अर्थ किया है पूरे कंटेनर को, क्योंकि ये आयरन टोटल कम्प्लीटली आयरन बेस्ड कंटेनर है. और उसके नीचे हमारा सेटअप लगा हुआ है. और एक चीज़ और, हमने जो अपना इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल किए वो हमने कंक्रीट वॉल पे इसकी जो बेस है उस पर इंस्टॉल नहीं किए. हमने इसको इंस्टॉल किए वुड पर, लकड़ी पर लगाया, ताकि खुदा न खास्ता हमारे इन्वर्टर की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, या कम से कम हमारे इन्वर्टर की वजह से इसमें किसी चीज़ में करंट नहीं है. उसके बाद उसको हम प्रॉपर अर्थ कर देंगे तो वो करंट का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक लड़के को भी अभी करंट लगा है, क्योंकि उसने ऊपर हाथ लगाया हुआ था और वो काम कर रहा था तो उसको छोटा करंट लगा है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्ट हो गई. अब ये प्रॉपर इसको अर्थ यहाँ तक पहुँच जाएगा. यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम इस पर यूज़ करेंगे 25 mm की इंसुलेटेड वायर यूज़ करेंगे. Thanks guys, thanks for watching. Pardon? Bye bye kar dein. Pardon bhai, Abdullah bhai. Okay boss, assalamu alaikum.